आज हम लोग पंजाबी स्टाइल छोले भटूरे बनाने वाले हैं। देखिए भटूरे कितने ज़्यादा फूले और सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलते हैं रेसिपी बनाने के प्रोसेस में। हमने यहाँ पर 3 फ्रेश टमाटर लिए है, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम साइज प्याज ली है, उसे हमने ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट पर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ 1/2 कप ऑयल लिया है। हमने अदरक लहसुन और हरा धनिया का एक पेस्ट बना लिया है। यहाँ हमने छोले मसाला लिया है। धनिया पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1.5 टेबल स्पून, छोले मसाला 2 टेबल स्पून, हींग 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, 1/2 kg छोला लिया है। हमने इसे रात भर सोख कर लिया है। आप चाहे तो 5 से 6 घंटे भी इसे रख सकते हैं। उसका पानी फेंक देंगे और उसे एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम उसमें पानी डालेंगे। और उसकी लिड बंद करके रख देंगे। तब तक हम 1.5 कप हमने यहाँ पे आटा और 1.5 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है, उसे मिक्स कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन लिए, उसे क्रश कर लेंगे हाथों से। ऑयल ऐड करेंगे। उसे मिलाएंगे। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेना है, जैसा हम चपाती का आटा गूंदते हैं ठीक वैसे ही। देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएंगे और इसे ढककर करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे। छोले में हमने 3 सीटी लिए थे और 5 मिनट लो फ्लेम पे रखे थे हमने इसे। हमारे छोले भी पक चुके हैं। छोले मैश हो रहे हैं अच्छे से। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। उसमें हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम उसमें अदरक लहसुन और हरे धनिया का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। इसे करीब 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला, हींग,
हल्दी पाउडर, नमक, और इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे। देखिए हमने मसाला भून लिया है, अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, उसे भी हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। ऑयल भी सरफेस पर आने लग गया है। हमें इसे और 1 से 2 मिनट पकाना है। ये रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल है, आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। और इसे मिक्स करेंगे। हमने तेल गरम करने रख दिया है। ये हमने थोड़ा सा मैदा लिया है, हमने छोटी लोई बना ली थी। इसे हम थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के एक राउंड शेप में हम इसे बेल लेंगे। अब हम इसमें छोले निकाल लेंगे। देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी पंजाबी स्टाइल छोले भटूरे रेडी हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching our video.